नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम भारत में स्थापित हुई हाल ही में प्रतिमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस वीडियो में बताई गई प्रतिमाओं से कई सारे क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल में हुए एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अगर इस प्रतिमा की कुछ व्याख्या की बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अंबेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद। इसकी अगर कुछ व्याख्या की बात करें तो 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। इसकी लंबाई 216 फुट है। 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजीयर स्वामी ने की है। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। इसकी कुछ डिटेल्स लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय बल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहां की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु। इसकी डिटेल की अगर बात करें तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु कैंपेगोडा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामबी सुतार हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। इसकी डिटेल्स की अगर बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार R.B. सुतार हैं। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहां किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर। इसकी डिटेल्स की अगर बात करें तो जुलाई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध गया। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो बौद्ध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू किया था।
इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है तथा इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही में किस स्थान पर शिवजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गुजरात। इसकी डिटेल्स की हम बात करें तो राजस्थान के नाथद्वार में शिवजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, मोरबी। अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी के 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बिहार। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हाल ही में देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कनाडा। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े उससे पहले हम लोग इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। इसका वजन 9 टन है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जोधपुर। इसकी थोड़ी डिटेल की अगर हम बात करें तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। अगले प्रश्न हम देते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पे अगर हम चलें तो हाल ही में पीएम ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पुणे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दो, लखनऊ। अगले प्रश्न पर अगर हम चलते हैं तो हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, आंध्र प्रदेश। इसकी कुछ डिटेल्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दो, भोपाल। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दो, न्यूयॉर्क। तो साथियों, आज की क्लास में हमने प्रतिमाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस की जानकारी इकट्ठी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगला वीडियो किन चीज़ों पर हम लोग बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।